पठान फिल्म पर जारी हंगामे के बीच शाहरुख दीपिका के लुक्स पर खुलासा। दोनों स्टार्स पर खर्च हुए लाखों रुपए, 1 लाख रुपए सिर्फ जूते की कीमत। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अपनी मच अवेटेड फिल्म पठान से 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद ही फिल्म को लेकर विवाद हो रहा है और हालिया रिलीज हुए गाने ने मामला इतना बढ़ा दिया है कि ट्विटर पर हैशटैग पठान बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है। हालांकि गाने को लेकर लोग दो हिस्सों में बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग बेशम रंग पर थिरक कर वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोग दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग के विरोध में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। विरोध के दौर में सबने दीपिका पादुकोण की बिकनी तो देखी, लेकिन गाने में शाहरुख खान के लाखों रुपए का लुक्स मिस कर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पठान फिल्म के जिस गाने की सीन पर विवाद हुआ है उसमें किंग खान के लुक्स पर लाखों रुपए खर्च हुए हैं। उस सीन में शाहरुख खान ने 8000 की शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक कलर की फ्लोर प्रिंट शर्ट, ऑल सेंट्स ब्रांड की है। ये शर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन गाना रिलीज होने के बाद ये शर्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। वहीं सीन के दौरान शाहरुख खान के शूज की बात करें तो शाहरुख खान ने व्हाइट कलर डी स्क्वायर 2 बास्केट मिड टॉप स्निकर्स पहने हुए हैं जिसकी कीमत 1,10,000 रुपए है, जबकि किंग खान के सनग्लासेस की बात करें तो वो भी 41,000 के हैं। पठान फिल्म के जरिए बॉलीवुड बादशाह 4 साल बाद फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही सॉन्ग ही हेडलाइंस में है। बेशर्म रंग गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अलग अंदाज में नजर आए। म्यूजिक वीडियो के एक सीन में दीपिका ऑरेंज कलर की बिकनी पहनकर डांस मूव्स करती नजर आ रही हैं। बस उसी पर विवाद खड़ा हो गया। कुछ संगठनों को दीपिका की बिकनी में भगवा रंग नजर आया और हर तरफ इसका विरोध शुरू हो गया। वहीं पठान कंट्रोवर्सी पर मेकर्स या स्टार्स ने अभी तक कुछ ऑफिशियली नहीं कहा है, लेकिन कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान किंग खान ने फैन से कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, हम और आप साथ हैं। शाहरुख खान का वो बयान सुनवाते हैं आपको जो उन्होंने कोलकाता में कहा। और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सबके सब जिंदा हैं। वहीं शाहरुख खान की चुप्पी तोड़ने के बाद कई बड़े नेताओं ने उनका खुलकर समर्थन किया है, लेकिन इन सब के बीच बेशम गाने के सीन पर मचे बवाल में शाहरुख खान के लुक्स का खर्च चौंकाने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।